Three, two. फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल ट में आप सभी का वेलकम सउदू बहुत सारा खुशीद यहाँ पर मेरी एक व्यूवर जो की बहुत सपोर्टिव व्यूवर है जो की मेरी बहन है मींस बहन बोल सकती हूँ मैं या ननंद बोल सकती हूँ so, उसकी फरमाइश उसने बहुत दिन से मुझे खट्टी दाल के बारे में कहा था कि खट्टी दाल की रेसिपी भेजो आप तो यहाँ पर मैं वही बनाने जा रही हूँ तो मैंने एक बड़ी कड़ाई लिया है उसमें डाला एक कप बॉयल की हुई दाल जो कि मैंने बॉईल करके रख लिया था उसमें ऐड कर लिया अच्छे से मींस उसको मैश करके उसके बाद यहाँ पर मैं जो इमली में भिगो के रखी थी आधा एक घंटा पहले उसके बाद यहाँ पर उसका पल्प मैं डालूंगी इमली का आप लोग देख सकते हैं पानी किस तरह से मैं डाल रही हूँ उसमें इमली इमली को अच्छे से मींस वॉश कर रही हूँ उसका पल्प पूरा निकाल रही हूँ पानी के हेल्प से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इमली का पल्प निकाल मिला दी हूँ दाल में यहाँ पर खट्टी दाल के लिए तो इमली बहुत जरूरी है और आप कच्ची इमली की भी बनाते बहुत सारे लोग तो यहाँ की सीजन में कैरी की बनाते हैं तो यहां पर मैं इमली की बना रही हूँ सो so, इसमें डाला मैंने एक चमचा अदरक लहसन का पेस्ट और एक चमचा लाल मिर्च और एक चमचा नमक सॉरी नमक याद ही नहीं आता है मुझे बार बार <laughs> नमक डाला है मैंने तो उसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं ताकि अच्छे से मींस इसके जो इम्... लाल मिर्च के बहुत लम्स रह जाते हैं कहाँ बोले वो मींस वगैरह हमको अच्छे से मिक्स करना है अच्छे से मिलाना है और दाल भी बहुत घुटना है मींस मैंने ज्यादा उबाल लिया था तो मुझे घुट मीन्स ज्यादा उसकी घुटने की जरूरत नहीं पड़ी तो यहाँ पर मीन्स दाल अच्छे से गल गई थी हमारी तो यहाँ पर आ, देख सकते हैं आप लोग मैंने किस तरह से उन लोगों सब को सबको मिक्स कर लिया उसके बाद मैं हरी मिर्च लूंगी चार से पांच हरी मिर्च को मैंने बीच में से आ, बीच में से काट का, कट लिया है सॉरी क्या बोल रही है काट लिया है उसके बाद मैं थोड़े से करिया पत्ता डाल रही हूँ ये चमचा गिर गया था मैं सॉरी तो यहाँ पर फिर मैं कोतमीर डाल रही हूँ कोतमीर समार जो बोलते हैं वो ऐड कर रही हूँ मीन्स अच्छे से कोतमीर का टेस्ट बहुत अच्छा था बॉय बॉयल करने में तो दाल को तो यहाँ पर देखो आप किस तरह से मैं कट करके डाल रही हूँ अच्छे से मिक्स करना है तो आप देख सकते हैं आपको कंसिस्टेंसी देखना है दाल किस कितनी होनी चाहिए मैं गाड़ी चाहिए पतली चाहिए उस हिसाब से आपको पानी ऐड करना है तो मुझे यहाँ पर बहुत गाढ़ी थी मेरी दाल तो मैंने उसको पानी डाल दिया पानी डाल के बीस अच्छे से कर लिया है पतली बीस बराबर कर लिया है जो जितनी मुझे चाहिए थी यहाँ फिर उसके बाद मैं इसको चूल्हे पर भी पकाऊंगी तो उसके बाद और गाढ़ा बनाएंगा इसमें तो इसकी वजह से मैंने पानी ऐड किया है एक गिलास पूरा तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग फिर यहाँ पर मैं इसको चूल्हे पर रख दूंगी आप लोग देख सकते कंटिन्यू मिलाना है हमको कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी देर में मिलाना है ताकि दाल नीचे से भी नहीं लगे और जो साइड से लगती है उसको पूरा मीनस निकालना है तो यहाँ देखो आप किस तरह से दाल ये।, ये दाल ये दाल को जब तक पकाना है द, जब तक ये ल, ल, हरी मिर्च और करिया पत्ता इनका कलर चेंज ना हो जाए जब तक हमको इसमें इसको पकाना है दाल को और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी दाल लग रही है हमारी दाल के रेडी है तो इसके बाद यहाँ पर हमको तड़का देना है दाल मैं यहाँ नमक टेस्ट कर रही हूँ नमक तो बहुत अच्छा है मींस बराबर है तो मैं नमक ने ऐड करी और यहाँ पर मैं तड़के के लिए एक छोटी सी कढ़ाई लूँगी लूँगी उसके बाद यहाँ पर डेढ़ चमचा ऑयल ऐड करूँगी मैं ऑयल भी आप अपने हिसाब से ऐड करो आपको तगार वाली दाल चाहिए तो आप ज़्यादा <laughs> तेल डाल दीजिए यहाँ मुझे मीन्स बराबर ही चाहिए था तो मैंने डेढ़ चमचा ऑयल ऐड किया उसमें तो फिर मैं तेल को गर्म होने के बाद डालूंगी एक चमचा राई जो कि बारीक रही है राई को पहले ही डालना चाहिए ताकि उसके दाने दाने जो है वो फूटते हैं तो बहुत अच्छी लगती है फिर उसके बाद मैं एक चमचा ज़ीरा ऐड करूंगी और ये फिर ये खड़े लाल मिर्च इनको भी फोड़ के इसलिए डाल रही ताकि वो इसमें एयर भर जाती है फिर एयर भरने के बाद वो ऐसा मीन्स अपने ऊपर उड़ती है तो उसको कट मीन्स उसमें मीन्स थोड़ा सा होल करके ही डालना चाहिए उसको तो देख सकते हैं आप लोग किस तरह से हमारी मीन्स तड़का रेडी हो रहा है दाल का तो यहाँ पर मैं उसको मीन्स ये ला जो लाल मिर्च है उसको काली करूँगी ताकि उस ऑयल में जो तड़के का ऑयल उसमें पूरा टेस्ट आ जाए उनका अच्छे से सो यहाँ आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ बहुत ही मीन्स बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी घर में दाल की बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स खट्टी दाल तो बहुत ही यमी लगती है बहुत ही टेस्टी मगर बहुत सारे लोग खट्टा नहीं खाते मगर खाना चाहिए विटामिन सी मिलता है हमको खट्टे से तो खट्टे से भी बहुत अच्छे मीन्स फ़ायदे भी बहुत हैं तो यहाँ पर मैं दाल में फिर ऐड करूँगी तड़का जो कि हमारा तड़का है तो किस तरह से ऐड करूँगी आप लोग देखो ये ताकि इसका धुआं ना बाहर निकले भाप इस वजह से मैं इसको ढक दी जब भी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी इतनी मस्त दिख रहा था घर में पूरा खट्टी दाल से महक रहा था मेरा सो आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह से ढाक दी फिर उसके बाद देखो अब धुआं हाँ मीन्स भाप जाना बंद हो गया तो उसको निकाल के रख दी मैं साइड में और अच्छे से मिला ली अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर फिर मैं जो तड़के की कढ़ाई में थोड़ा सा मीन्स और जीरा और राई दिख रहे थे तो उसमें थोड़ी सी दाल डाल के अच्छे से उसको भी मिला ली मैं देख सकते हैं आप लोग बहुत ही टेस्टी बनती है खट्टी दाल बघारे चावल के साथ बहुत सारे लोग जवारी की रोटी के साथ भी खाते हैं और चूर के जैसा जवारारी की रोटी चूर के खट्टी दाल डाल के बहुत खाते हैं। और चावल के जो कनकियाँ होते हैं उसमें डाल के खाते हैं वो तो बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी लगता है फिर यहाँ पर देखो दाल का टेस्ट मैं बार बार कर रही हूँ नमक का कहीं कम ना हो जाए मगर नमक बराबर था सो तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डिश आउट नमक कोतमीर डालना भूल गई थी तो कोतमीर फिर से ऐड कर रही हूँ मैं ये ऑप्शनल है आप दाल भी सकते मगर डालना चाहिए यार बहुत अच्छा लगता है दाल में सो तो बहुत ही टेस्टी बन रही थी हमारी दाल खट्टी दाल मैं चावल के साथ बघारे चावल के साथ हो गया बॉइल जो सादे चावल के साथ है उसके साथ भी बहुत ही अमी लगती है खट्टी दाल आ, खट्टी दाल बघारे चावल गोश का सुक्का ये भी सुना होगा आपने बहुत ही मस्त लगता है बहुत ही टेस्टी तो देख सकते हैं आप लोग दाल हमारे कैसे लग रही है कैसे लग रही है जो खाली ये लाल मिर्च जो खड़ी है वो जो बहुत ही टेस्टी लगती है इसमें कि मैं तो बहुत खाती हूँ उसमें के दाल इसलिए ज़्यादा दाल है वो खा मिर्चा मैं ही खाती हूँ <laughs> वो सो so, देखो आप कितनी प्यारी लग रही है दाल मैं इसको इन आपको दिखा ला के भी दिखाती हूँ कि कैसे इन गाड़ी कितनी बनी है इस तरह से ही गाड़ी रहेंगी तो बहुत अच्छी टेस्टी लगेंगी अगर आपको पानी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी डाल सकते हैं इसमें आप अपने हिसाब से बनाइए दाल बहुत ही टेस्टी थी सो so, थैंक यू अल्लाह हाफिज़ वालेकुम